बाप रे। आज है हमारा डे थ्री। ये वाला हमारा रूम है। वन ब्लू आई लाइनर लगा के बैक टू माई चैनल। दिस इज कीर्ति मेहरा एंड यू वॉचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद अनदर वीडियो। आज मेरा फेस बहुत ऐसा ब्लोटेड सा लग रहा है। मैंने इन सबको उठा दिया और इन्होंने बोला था कि हमें नॉर्थ के लिए कैब बुक करनी है 11-12 बजे। मैंने इनको 9-10 बजे ही उठा के कैब बाहर खड़ी है और हम निकल रहे हैं, क्योंकि पहले हमारा प्लान था आगे और ज़्यादा साउथ में जाने का, बट अभी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मानसून में आई हूँ, मुझे मानसून में आना बहुत बहुत पसंद है। गोवा जितने भी लोग मेरे को जानते हैं सबको पता है कि मेरी स्ट्रीक बन चुकी है 2021, 2022, 2023 की स्ट्रीक बन चुकी है गोवा में। और मेरे को पसंद है, मतलब सब लोग बोलते हैं कि मानसून में नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट मेरे को लगता है मानसून में ही जाना चाहिए क्योंकि मानसून में गोवा की वाइब बहुत प्यारी रहती है। हाँ, आप वाटर स्पोर्ट्स और ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, पर आपको अगर वाइब लेनी है और चिल करना है, मज़े करने हैं, तो यहाँ पर सब कुछ है। जैसे नॉर्मल सीज़न पे होता है वैसे ही है सब कुछ, बट ये है कि बीच पे आप ज़्यादा मटरगश्ती नहीं कर सकते। बस ऐसा व्लॉग कर रही हूँ यहाँ पे, फिर अगला दिखाऊंगी। आज हमारा डे टू है और हम जिस रिजॉर्ट में रुके थे उसका मैं थोड़ा सा आपको लुक दिखा देती हूँ। इसका नाम है सिनेमन अगोंडा, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। यहाँ से आते हैं, ये हमारी खड़ी कैब, यहाँ से एंट्रेंस है। इसकी एंट्रेंस बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। यहाँ पे मेरी फोटोज़ देख ली होंगी आपने। यहाँ से आप अंदर घुसो, स्विमिंग पूल है। यहाँ पे रूम्स हैं। ये वाला हमारा रूम है। वन नीर का, टू ठीक है, ये स्विमिंग पूल है। यहाँ पे खाने के लिए है काउंटर, बार वगैरह सब कुछ, जो भी आपको सूट करे। और यहीं पे स्विमिंग पूल के सामने है ऐसे सिटिंग एरिया। हो गया तुम्हारा? अंकल देख रहे हैं तुम्हें खड़े होके, बैठे ही देख रहे हैं। अंकल से तुम बात कर ली यार, अंकल कह रहे कोई नहीं बेटा खाओ। ये हेलो, अभी अभी पहुंचे हम, अभी अभी आ जा। ओए अच्छा, ये जस्ट अभी पहुंच गई है भाई। हैप्पी बर्थडे है सैंडी को। ए हाँ, तेरे बर्थडे की पार्टी देने आई है सैंडी। ब्लू आईलाइनर लगा के ब्लू ड्रेस के साथ निकल चुके हैं हम अपने यार अंधेरा। मैंने मिहिर को एक टास्क दिया है रात में करने के लिए, तो वो करेगा वो जो कल बताया था। ये क्यों बता रहा है क्या? हाँ, एक टास्क दिया है इसको मैंने, तो अगर वो ये करेगा यहाँ पे करना है क्या? हाँ भाई, वहाँ तो ठीक था, यहाँ बाहर रोड पे। चल ठीक है, ठीक है, तो रोड पे इसको एक टास्क करना है, वो ये करेगा, और अगर इसने कर दिया तो फिर ये दिलेर है। तो मेरे जितने खर्चे हो रहे हैं ना सारे, हाँ, वो सब ये करेगी एंड। और जो 2 दिन के नहीं हुए वो तो कर ही दिया ना। ठीक है, सारा मिसलेनियस फिर तेरे खाते में। ठीक है, ये भी तय रही। स्लैप नहीं, अभी बताऊं। अरे कितनी गंदी लाइट आ रही है यार, चली भारी। अगुआड़ा फोर्ट जो इन्होंने कभी देखा नहीं यार। चाबी से चलाओगे क्या? ये ले तो फिर आज से ही शुरू है अब तेरा, समझ आई ट्रिप? सेंटी गाड़ी है तू मेरी यहाँ भाई। हाँ नहीं नहीं, भाई ने लिए। भाई ने भाई के पास पैसे? भाई के पास तो 2000 ही दे। 2000 ही दिए जी। अच्छा। हमें मत चेक लगवा दी। तो अब सीधा वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ चुल के दिखाते हैं, और उसके बाद मीर का टास्क है आज। मीर का, मीर को डेर दिया हुआ है, बस कर दिया अगर इसने। अभी हम आगे भी चले। इनको बोल रहे इनके लिए, इनको भीगने से बचना था ना। तबियत खराब हो जाएगी कंटेंट के लिए, लोगों की तबियत खराब करती। बोला भी नहीं जा रहे उससे।
लाहौर खुला ही हुआ है खुला हुआ है कैंडी कह रहा है भीगा मांग सकते हो यार तुम दोनों भाई बहन साथ मत बैठा करो यार तुम कुछ कुछ करते हो भाई इसलिए तो लेट हो रहा था इनको प्लानिंग भी तो कर रहे थे नहीं यार वो दुआ हो रहा था हाथ से हाथ तो लगाते ही नहीं कभी हेलो आज है हमारा डे 3 और हम रेडी हो चुके हैं रात को हम काफ़ी लेट सोए थे क्योंकि सैंडी का कल बर्थडे भी था और हमने पार्टी करी थी और उसके बाद हम घर लेट ही आए थे हाँ उसके बाद काफ़ी लेट उठे और काफ़ी लेट हमारा डे स्टार्ट हुआ है अभी हम आ गए हैं अश्विन बीच पे यहाँ पे टाइड्स मतलब ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है बीचेस वगैरह में सारे सेम ही हैं फ़र्क है ये मेरे अगर ये दिख रहा है जो चैलेंज था मीर का वो हो नहीं पाया था तो कोशिश करेंगे कि आज वो चैलेंज हो जाए 400K भी हो गए थे यूट्यूब पे ये तो मैं बताना ही भूल गई सो गाइस थैंक यू सो मच मैंने ऐसा टारगेट बनाया था कि मेरे बर्थडे से पहले मेरे 400K हो जाए पर मेरे को लगा था वो 30 तक होंगे या 31 तक होंगे इतना जल्दी हो जाएंगे ये मेरे को नहीं पता था एंड थैंक यू सो मच मैं जेन्युइनली बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग ने इतना प्यार किया और मैं मुझे नहीं पता लोग कुछ कमेंट करते हैं काफ़ी लोग ऐसे वैसे उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं काम कर रही हूँ मैं मेहनत कर रही हूँ मैं कोई चीज़ से पीछे नहीं हट रही हूँ मेरे को पता है कि अब मुझे ऐसा रुकना वुकना तो है नहीं कोई ऑप्शन नहीं है ऐसे कि साइड छोड़ के यूट्यूब को छोड़ के या इंस्टा को छोड़ के कहीं बैठ जाऊँ तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ और मैं तो इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ है इतना तो मैं करती हूँ तो उसके लिए थैंक यू सो मच क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया है तभी यहाँ तक मैं पहुँची हूँ और शायद आगे भी पहुँचूँ इस ईयर तक हम 1 मिलियन क्रॉस कर गए तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं भी करे तो ऐसा नहीं है कि हिम्मत हार लेंगे पूरी पूरी मेहनत करूँगी मैं तो करूँ आज है डे 4 और हम आए हैं गोवा की हिडन जगह पे तो मैं मंदिर होके आ चुकी हूँ इसलिए टीका लग रहा था बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे शिव मंदिर ढूंढा जैसे मिला होके आई सारी पूजा वूजा कर दिखाती हूँ जो हिडन प्लेस हमें मिली है कितनी सुंदर है गोवा में मतलब सारे बीचेस पे सब पे कीचड़ वाला पानी पर यहाँ पे लेट मी शो यू आर नॉट रेडी फॉर दिस ओ भाई ये गहरा कैसे नापेंगे इसको स्विमिंग तो आती है पर ये गहरा कितना है वो बताओ नहीं ज्यादा गहरा तो मैं अपने आप को रिस्क पे नहीं डालूंगी इसके अंदर तक यार इसमें क्यों नहीं दिख रहा यार इसमें पानी के अंदर आ जाएगा पता वीडियो हैं GoPro लेके आते हैं मेरे को लग रहा है किसी का फोन गिरा हुआ है वो ये कहां गिरा हुआ है पूरा पर यार ये डीप बहुत है लॉर्ड चलो चलना चले दिख रहा है और अच्छा है और वो डीप भी है सैंडी मगर वो डीप भी है तू ऐसे मत कूद जाइए पीछे से चलते आए ये यहीं पे शुरू में डीप हो गया दिखाइयो यार इतना नहीं हो रहा भाई आगे तो है ही नहीं कुछ वैसे तो मैं तो नहीं जा रही एक थप्पड़ खा टांगों का यार यहीं से तैरते वहां तक चले जाओ नीचे तू ये कर ले ये तो बहुत ही ज्यादा है चलो सबसे पहला पहला नंबर वाला ठीक था क्लीन नहीं है वाटर क्लीन नहीं चाहिए सब क्लीन है वाटरफॉल कहेंगे इन्हें क्या कहेंगे इन्हें नदी पॉन्ड पता नहीं क्या है ये दिस इज कॉल्ड पॉन्ड हाँ मैं बहुत ऐसे छोटे यहाँ पे फॉरनर जाते हैं और वो बस इस पानी में चलते रहते हैं नहाते नहीं हैं और यहाँ पे सुंदर सुंदर पॉन्ड बने हुए हैं और अभी हमें पता चला कि वो दिखा दिया मैंने एक
पहला वाला जो था वही सही था, दो तीन देख लिए, पानी में से जाऊंगी अब तो, जूता हो ही गया खराब। फेंकू क्यों, नाइकी है खराब हो गया तो कैसा नाइकी। ये मॉनसून में आने वाली है सैंडी, चुप हो जा। हाँ ओ अबे ये देखियो, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, यहाँ बैठ जा नीचे पानी में। सैंडी एक बार कैमरा फोन नीचे डाल दूं पानी में, बंदरिया तैर के आ चुकी हूं वापस दिया। तो पता था पहुंच जाऊंगी पर वहां पे बेस था, मगर बचे इधर सेकंड क्या भाई, चलो यहाँ के मगरमच्छ से क्या मतलब है आपका? नहीं 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 लग रहा है एकदम ऐसा, तेरे को पैर ना दिखे तो खुद रोक लेना। और इसकी आंखें भी तो अंधी हैं। यार मुझे डेजा वो हुआ, तूने सेम बात मेरे सपने में पहले बोली है। उसके बाद क्या हुआ था उस सपने में? उसके बाद क्या हुआ था? We see it in the next episode। सब घर गए थे ना वापस। इसके बाद का भी याद रहता है कि अब क्या होगा। सब और भाई शट करके कूदना जहाँ भी होए ना। बचने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। ओ बाप रे, देख के क्या करियो? ये पानी कम से कम कितना डीप हो सकता है? 10 फीट 20 फीट ये जो पेड़ कितना देखो ऊपर दिख रहा है ना, हाँ उतना ही ये पेड़ नीचे है। अच्छा मतलब ये समझ ले आधा पेड़ नीचे है। हाँ इतना जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा भाई, ये तो मैं बहुत कह रहा है यार, पर इतना पेड़ जो है वो नीचे है।